शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर उनका समाधान जरूर ढूंढा जा सकता है। 94.3 MyFM से मैं हूँ विनी, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते। सुनाती हूँ आपको दो लकड़हारों की कहानी। एक का नाम था दुखिया और दूसरे का सुखिया। रोज की तरह जब जंगल में लकड़ी काटने पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि रात में लकड़ी के तस्करों ने पूरा जंगल जैसे साफ कर दिया था। सारे पेड़ काट दिए थे और लकड़ियों को बड़े बड़े ट्रक्स में भरकर यहाँ से ले जा चुके थे। अब बड़ी नेचुरल सी बात है, देखकर लोग दोनों बड़े हैरान हुए, दुखी हुए। दुखिया तो बहुत नाराज हो गया और उसने कहा कि मैं इस घटना के बारे में गांव के एक एक व्यक्ति को बताऊंगा और इनके खिलाफ कार्यवाही करवा के रहूंगा, चल सुखिया चलते हैं। तो सुखिया ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। ये और गुस्सा हो गया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, तुम इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते, मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर गया। गांव के जो मुखिया थे उनसे बोला कि आप कार्यवाही करवाइए, हर एक घर में जा जाकर बताया कि तुम लोगों को पता है जंगल में कल इतनी बड़ी घटना हुई। और साथ ही साथ सुखिया की भी बुराई करी, कहा कि देखो सुखिया इतनी बड़ी घटना के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। अब गांव वाले भी क्या करते, उसकी बात सुनी, उसको ढाढ़स बंधाते और अपने अपने काम पर निकल जाते। सुबह से शाम हो गई, दुखिया यही करता रहा। अगले दिन सुबह सुखिया के पास गया और बोला मैं कोतवाली जा रहा हूँ शिकायत करने, तुम चलोगे? सुखिया ने कहा कि दोपहर में चलते हैं, मैं जरा व्यस्त हूँ। फिर नाराज होकर चला गया। तीसरा दिन दुखिया ने प्लान बनाया कि आज गांधी चौक पर उस घटना को लेकर धरना दूंगा। अपनी योजना लेकर सुखिया के घर पहुंचा तो सुखिया के बेटे ने बताया कि बापू तो जंगल गए हैं। अब दुखिया ने सोचा कि ये भी अजीब पागल है, जंगल में हमारे मतलब की लकड़ी तो बची नहीं है, फिर ये जंगल में क्या करने गया है। देखने के लिए दुखिया भी जंगल पहुंचा तो देखा कि वहां सुखिया जंगल को साफ कर नए पौधे लगा रहा था। अब दुखिया ने कहा ये क्या करके समय बर्बाद कर रहे हो, अभी बहुत सारे लोगों को घटना के बारे में बताना बाकी है, तुम मेरे साथ चलो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? सुखिया ने जवाब दिया, ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि इससे हमारे पेड़ वापस आ पाएंगे, शिकायत करने से वापस नहीं आएंगे। यही होता है जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, आसपास कुछ बुरा होता है, तो जो काम सबसे आसान होता है ना वो है शिकायत, और हम सब शायद वही करने लग जाते हैं। कुछ हद तक शिकायत करना नेचुरल भी है, मगर सिर्फ ही शिकायत करना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शिकायतों से समस्या का हल नहीं मिलता, लेकिन जिम्मेदारी उठाएंगे, किसी समस्या को सुलझाने की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो समाधान आसान जरूर हो जाएगा। आसपास गंदगी की शिकायत करने से अच्छा है कि हम सफाई में अपनी तरफ से पहल करें। ट्रैफिक जाम की शिकायत करने से अच्छा है कि सबसे पहले हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उसी तरह जंगल कम हो रहे हैं कहने से अच्छा है कि एक एक पौधा खुद लगा कर देखे, समाधान की तरफ कदम उठा कर देखिए। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ।